वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। उसके नाम से बन जाते हैं, उसके नाम से बन जाते हैं तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। दुआ दुआ ऐसा लगता है आज ठंड होगी, तो क्यों ना आप सब हमारे साथ साथ ताली बजाए बजाए। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का माता है, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा। मतलब एक है राम कहो तो, मतलब एक है राम कहो तो, या कह ले घनश्याम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का। सपनों को अपना समझे तू, रेत की महल बनाए, परछाई के पीछे भागे, हाथ कछु नहीं आए, नाम की पेड़ की छाँव तले, नाम की पेड़ की छाँव तले, कर ले कुछ विश्राम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। सूरज चांद सितारे पंछी नदियां नाले नाम के बल से ही चलते हैं, ये धरती ये अंबर, नाम के बल से दिन उगता है, नाम के बल से दिन उगता है, नाम से ढलती शाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा।
बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। सब संतन की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गंगेश्वर महादेव करो मदेवा सर्वकारेषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्दिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कंठे सविराजते ही गरलम वामांगर राज्य राज्य तयना जाया भवानी सती। ओम नंद स्कंद गणादिराज सहिता श्री विश्वेश्वर नाथ प्रभु काशीवास मंदिरो खिल गुरु देवो सदा वंदितम। चानूर मर्दनम देवकी परमानंदनम श्री कृष्णम वंदे जगत। हो श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम श्री गुरु चरण सुनिल पवन कुमार बलवधि विद्या देव मोहे हर कलेश विकार हर कलेश विकार हर कलेश सयानं बाल मुकुंदं
संचरे बोल द्वारिकाधीश श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। Hare Krishna, Hare Krishna,
पावन चरणारविंद में कोटिश्वार सुवंदन। देवादिदेव महादेव सहित भगवती महाकाली के चरणारविंद में नमामि। संकट मोचन हनुमान जी की पावन चरणारविंद में नमस्तुते। गृहस्वामी गृहस्वामिनी दंपति श्रीमान श्रीमती किशोर कुमार उनकी पूजनीय माता अमेरिका से आए हो, उनका छोटा भाई, उनके दूसरे अनुज, साथ ही साथ उनके संतान सहित आप सभी भक्तों को हृदय के अथाह गहराइयों से सभी का अभिनंदन, सभी को सुस्वागतम और निस्संदेह आप सभी प्रिय भक्तों को जय राधे श्याम स्वीकार। परमात्मा की ये महिमा अगम या पार है, ये लीला अनहद है जिसका पार कोई नहीं पाया। मैंने तो सोचा आज बुधवार है, काफी लोग बुध मनाते हैं तो शायद कुछ लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों का आदरण उपस्थिति अत्यंत सराहनीय है। हालांकि कुछ लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, मना लें दो बुध, लेकिन फिर भी मालिक की कृपा उनके ऊपर व्यापे यही हमारी शुभकांक्षा है। देखो हमारे यहाँ कथाओं में आई है कि समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, कि परमात्मा पूरी संसार का कल्याण हो, ये भी तो एक माध्यम है। जितने बातें हम लोग करते हैं ये सब हवा में जाती है, इसलिए बोला जाए कि हमेशा राम राम बोला करो, राधे श्याम बोला करो, राधे कृष्ण बोला करो, हरे कृष्ण का नाम लेते रहो, जय माता दी बोला करो, ओम नमः शिवाय बोला करो, आवाज जिसे इस वातावरण में जाते रहे। लोग की आदत सी बन गई है ना, कोई अगर राम राम बोले तो चट ब्रह्मणी से राम राम है भैया। लेकिन बताई गई हमारे यहां शास्त्रों में कि मुख से बोलो, कौन धुन में आप चले जा रहे हो, लेकिन अचानक में किसी ने तुम्हें राम राम कहा, उसके लक नहीं लक तुम्हारा है कि तुम सीता राम जवाब दे दो या जय राधे श्याम बोल दो, तो कुछ ना बने वाला काम हो तो सही बन जाए। ये हरि की कृपा है। राम नाम की जो हीरे मोती है अगर बांटते चलोगे संसार में, तो निस्संदेह जीवन में अपने आप तो सुख भोगोगे, औरन को भी सुखी करोगे, क्योंकि आपकी वाणी शुद्ध होता है। संतों ने ऐसा बताया है, वाणी ऐसा बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। दिन भर में 100 बार राम राम बोलो कितना कठिन बात है, लेकिन दिन भर में कितना बेकार बात किया जाता कोई गिना, कितने बेकादा बात की गई है कोई गिना, कितने लोग गाली गुजौल करते हैं कोई गिना, लेकिन अगर बोल दो कि भैया 1000 बार राम नाम का जप करो, बोले पंडित बहुत कड़ा है। लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो, तुम सोच नहीं रहे हो कि जितने बार तुम अपने मुखारविंद से राम नाम राम बोलोगे श्याम बोलोगे वो वातावरण में जाता है। आप जानते हो अभी जल्दी में किसी ने नासा ने वो रिकॉर्ड किया है कि सूर्य भगवान जब निकलता है तो ओ उसकी शब्द ओ सूर्य भगवान के साथ में ये ओम का उच्चारण होता है। समुद्र के लहर के तट पर जब आप समुद्र के तट पर बैठो एकांत में तो लहर ओम कहता है। तो जब प्रकृति संसार ओम कहता है तो हम भी राम नाम का प्रसारण करें। राम नाम के हीरे मोती और कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम नाम और शोर मचावे गली गली।
से चैतन्य शक्ति का जागृति हो जाती उस दिन से भजना प्रारंभ कर दो तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। ये बात स्पष्ट है। आज भी
हिमालयों के कंदरों में देख लो, महात्मा लोग आज भी बैठे किस लालसा में, विश्वास है कि मेरे पास परमात्मा अवश्य दर्शन देंगे और देगा। कल की पावन चरित्र कथाओं में, भगवत कथा के सौपांग में ऐसा चर्चा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवा दिया और एक वाणी, एक जबान, एक मुंह के वाणी से ही झगड़ा छिड़ गई। शब्द ऐसी आई है कि किसी को तुमने एक झापड़ मार ली वो सही है, लेकिन बात अगर किसी को मार दी तो वो बात जीवन भर याद रहे। एक शेर था और एक बकरी थी। शेर नीचे तालाब में पानी पी रहा था, तो शेर पानी कैसे पीता है? चाट के पीता है। और बकरी ऊपर खड़ी रही पहाड़ पर, तो शेर जब पानी पी रहा था तो चपर चपर आवाज हो रहा था। तो बकरी मौसी ऊपर से बोले कि ये शेरवा, बोले जो चपर चपर तुम पानी पीता, चपरहा जैसे अच्छा नहीं लगे सुने। बुलाओ ही। अब बकरी भी घबरा, बोले नहीं आओगे तो भी दौड़ के हम पकड़ लेगा, हम राजा है। बिचारी डरती हुई आई, बोले अपने सिंह से हमारी पीठी में खुरचो, खुरचा खून निकला, बोले निकल गया। बोले अब जाओ जंगल के जितने तितैया बावर है वो सब लेकर आओ, इसकी मलहम करो। लगाया वो दवाइयां, वो मलहम लगाई, एक हफ्ता बाद घाव भर गया। एक हफ्ता बाद बकरी मौसी को फिर बुलाया गया, बोले कि ये मौसी देखो घाव भर गया। बोले हाँ भर गया राजा, भर गया ना? बोले हाँ, लेकिन जो रोज बात तो हमें बोले रहो चपर चपर पानी पियो चपरा जे, बोले वो जिंदगी भर हमारे हृदय में रची वाणी ऐसा बोलिए मन की आपा को। महाभारत के युद्ध में वाणी ही महान, माता द्रौपदी मुख से निकला आंधर के पुत्र आंधर भय महान, बस यही शब्द था। जब इंद्रप्रस्थ बनकर तैयार हुई तो उसकी वास्तु कराई गई, तो पितामह ने बताया कि वास्तु तो कृष्ण से कराना चाहिए। शिशुपाल को भी वही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से काट डाला, क्योंकि शिशुपाल भी भगवान कृष्ण के एक और फुआ के लड़का था। जब वो पैदा हुआ तो उनके चार, दो सर थे और चार हाथ, तो माता भी देखकर डर गई कि ये भगवान ही ऐसा भयंकर लड़का कहां से पैदा हुआ। जैसे रावण का पुत्र पैदा हुआ महिरावण, उसके आधा दही सांप के था। रावण जुड़ते बहुवादी ले जा मट्टी खोद के गाड़िया, ऐसा लड़का आधा दही सांप के मांगी देखिए। धरती को खोदत खोदत वो महिरावण बाद में जब समुद्र पाताल पहुंच गया तो अहिरावण नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने भी ऐसा सोचा, ये लीला परमात्मा की है, मालिक की कृपा हो गई कि शिशुपाल के आकाशवाणी हुई कि अगर कोई भी इसको खिलाएगा, गोदी खिलाएगा, अगर एक सर हिरा गई और दोनों हाथ, तो समझ लेना वही इसका मृत्यु का कारण। अब फुआ मैया बिचारी ताके के खिलावे के खिलावे, इतने में कन्हैया आ गए, चलो फुआ घरे बब्बा हुआ है उनको देखने आए। और जैसे गए वहां तो क्या देखे, कृष्ण ने उठाकर जैसे खिलाया उनके एक सर हरा गए दोनों हाथे, बस फुआ ने कृष्ण के चरण पकड़ लिया कि हे माधव तुम मेरे भतीजा हो, इनको माफ कर देना बेटा, इनको मारना मत, ये तुम्हारा भाई। बोले फुआ इनके सौ पाप माफ। और जिस दिन 101 हो गई तो फिर इसके ई जाने इसके काम जाने। तो मैया रोज डांटे कि कन्हैया को कुछ नहीं बोली, तुम्हारे कजन है तुम्हारे भैया है, लेकिन ये रोज जब देखो तब कन्हैया को ही गाली देते, अरे वो 16108 रानी वाला है, अरे वो माखन चोर है, अनेक बातें बोलते गए। जब इनकी वास्तु कराई जा रही थी भगवान श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ में, उन्होंने भगवान कृष्ण को भला बुरा कहने लगा। अरे बोले इनसे वास्तु कराते हो, अरे ये तो माखन चोर है,
बोले भैया रुक जाओ, 99 हो गया। अरे बोले तुम मुझे क्या करोगे, तुम तो 16108 रानी वाले हो। बोले 100 पूरा हो गया भैया, आप ठहर जाओ। बोले अगर संसार में तुम रन छोड़ हो, तुमने रन छोड़ कर भागा है। बस परमात्मा ने कहा कि 101 हो गई भैया। सुदर्शन चक्र को धारण किया परमात्मा ने और उनके गर्दन सर से हो गई। शिशुपाल संसार से चले गए। तो वास्तु जब पूजन, घर की वास्तु पूजन कराई जाती है, ग्रह प्रवेश कराया जाता है, तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो ब्राह्मण ने आकर वास्तु प्रवेश कराया, चाहु दुशा चाहु कोना में सब स्थापना करके वास्तु भगवान का प्रवेश कराया। भगवान कृष्ण की पूजन की गई। तो वो जो महल थी, भगवान ने उसका नामकरण किया और उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। कल आई ये कथा कि इंद्रप्रस्थ आज भी हिंदुस्तान में दिल्ली में है, और वहां पर तुम जाओ आज भी वहां वो पांडव के बनाया हुआ इंद्रप्रस्थ आज भी है। सरकार उस पर मेंटेनेंस कर रही है, न जाने कितने हजारों वर्ष का है, कुछ टूट गया है लेकिन आज भी है। ईश्वर की कृपा हुई, वो बड़ा अजब महल था जहां पर पानी थी बीच में घर के अंदर पॉन्ड, वो लग रहा है कि जैसे फ्लोर फरसा, और जो फरसा थी वो लग रहा है जैसे पानी। तो दुर्योधन ने सोचा कि ये फ्लोर है, ये फरसा है, उनके ऊपर जैसे लात धरा बस घुस गए पूर्ण में। अटारी से ताक रही थी भौजाई द्रौपदी, एक के बाद बोल दिया अंधा का बेटा अंधा। भाभी थी, पद थी, हक थी, लेकिन वाणी ऐसा बोली है मन की आपा को, अंधा का बेटा अंधा कहने से बस ये बात दुर्योधन के मन में लग गई कि शपथ है कि जबले तुम्हें निवस्त्र करके अपने जांघे पर मैं ना बैठाऊं तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। फिर तो परमात्मा की लीला ऐसी रची गई कि इंद्रप्रस्थ को जुआ में हार गया, दास दासियों को हार गया, पांडव ने सब कुछ हार गया, और तब दुशासन को अनुमति मिला कि जब कौरवों ने सब कुछ हारा है तो द्रौपदी को भी हारा है, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर उस महफिल में, उस सभा में बैठा था सर्वश्रेष्ठ महामहिम पितामह भीष्म, लेकिन उफ तक नहीं किया। कुल गुरु कृपाचार्य बैठा था लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। उसी सभा में बैठा था गुरु द्रोणाचार्य, गुरु भाई अश्वत्थामा, लेकिन कोई उफ नहीं किया, कोई द्रौपदी का लाज नहीं बचा पाया, कोई द्रौपदी की इच्छा पूर्ण रूप से नहीं बचा पाई उनकी लाज। तब द्रौपदी ने कांधा को नमन किया कि हे गोविंद, तुमसे बड़ा संसार में दूजा कोई नहीं। तो सुत जी महाराज बता रहे कि हे संतो, जैसे शुरू कथाओं में आई है कि तुम फूल पात्र चढ़ाते रहोगे तो अवश्य ही परमात्मा तुम्हारे मुसीबत आन पड़ने पर तुम्हारे सामने खड़ा होता है। द्रौपदी छोटी थी, भगवान कृष्ण की मित्र थी, उनकी फ्रेंडशिप थी। एक दिन अचानक में भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को गुलाब के फूल बहुत प्रिय हैं, रोज। लोग कहते कि रोज मत चढ़ा, उसमें काटा है, डार में काटा है, फूल में नहीं काटा है। गुलाब के फूल भगवान गोविंद को बहुत प्रिय हैं। गुलाब के फूल तोड़ते समय कृष्ण की अंगुली में थोड़ा सा कांटा लग गई और खून निकल पड़ा। द्रौपदी ने देर नहीं किया, अपने आंचल को फाड़कर उनकी अंगुली को बांध दिया, बस उतना किया। आज उस सभा में सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन बैठा है, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीमसेन बैठा है, न्यायकारी महाराज युधिष्ठिर बैठा है, लेकिन आज द्रौपदी को बचाने वाला कोई नहीं। तब बड़ी देर भाई नंद
लाला तेरी राह तक ब्रिज बाला बंधने से अंगुली में गोविंद ने साड़ी गिराना प्रारंभ कर दिया। कहा एक साड़ी के टुकड़ा बांधा था हाथ में, लेकिन आज कृपा कर दी परमात्मा ने सब कोई वहां, लेकिन रक्षा करने वाला सिर्फ कृष्ण। गिराते चला गया, गिराते चला गया, गिराते चला गया। संसार में मां द्रौपदी की अगर तिल बराबर शरीर दिखा हो तो कहीं दुशासन थक थक गया, लेकिन फिर भी मां भगवती की लाज बच गई। फिर तो ये दास्तान सुना है कि कथा महाभारत की कैसे शुरू हो गई, अंत में कोई नहीं बचा। पांडव को भी हिमालय के माध्यम से संसार से जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण वापस अपने धाम द्वारिका चले गए। माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहा था, और उत्तरा देवी कौन है? अभिमनु की पत्नी।
और अभिमनु कौन है? अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। और आज सुभद्रा कौन है? भगवान कृष्ण की बहन। तो इस नाते से अभिमनु भगवान के बहने हुए। आज उनकी पत्नी उत्तरा अंतिम कुरु वंशियों का अंतिम चिराग माता उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अश्वत्थामा गुरु भाई ने यह मन में ठान लिया कि कुरु वंशियों को मैं नाश कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, व्यास देवता ने उसे बचा लिया। भगवान श्री हरि ने माता के उदर में, माता के पेट के अंदर सुदर्शन चक्र लगाकर महाराज परीक्षित की रक्षा कर ली। अंत में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। अंतिम चिराग बड़ा हुआ, यौवन हुआ, तो आज वो राजा बना। आज उनके सर पे वो मुकुट है जो मुकुट कभी महाराज धृतराष्ट्र के सर पर हुआ करता था। वही मुकुट कभी ना कभी महाराज पांडव के सिर पर हुआ करता था। वही मुकुट कभी ना कभी महाराज शंतनु के सर पर हुआ करता था। और वही मुकुट कहीं ना कहीं महाराज भरत के सर पर हुआ करता था। वही मुकुट आज महाराज प्रक्षत के ऊपर है। विवाह हुई, पत्नी आई, समय आने पर संतान का जन्म हुआ, नाम पड़ा जन्मेजय। एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य की सीमा को देखने के लिए स्वयं आगे बढ़ा। एक काला वर्ण का आदमी हाथ में लोहे लेकर गौ माता के पीठ पर वार करने ही जा रहा था कि अचानक राजा की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई। ए! उतरा राजा घोड़ा से नीचे, खड़ग निकाली तलवार कि अभी मैं तुम्हें खन दूं। राजा के चरण पकड़ लिया वो आदमी, बोले महाराज हमें अभय दान दे दो। राजा के शरणागत में कोई भी प्राणी पड़ता है राजा दया कर देता है। ऐसा दयावान महाराज परीक्षित था जो संसार में कोई उसे पराजय ना कर पाए, उनका नाम परीक्षित। बोले महाराज, बोले अपना परिचय दो वत्स। बोले मैं कलयुग हूं। अच्छा, अर्थ काम मोक्ष धर्म के ये चार कदम है, चार चरण है, और तुम माँ गौ, हमारी गौ माता हमारी धर्म के प्रतीक है, तुम इस पर वार कर रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि खड़क से तुम्हें काट दूं, लेकिन तुम हमारे शरणागत हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। महाराज मैं कलयुग हूं, अपने स्थान पर तुम स्थिर रहना, अपन जगह पर रहना तो तुम ठीक है। तुम्हारा स्थान कहां है मालूम? बोले जी महाराज, जहां पर मदिरा पान की जाती है, क्लब्स। जहां पर वैश्याओं का लय होता है वहां, जहां जुआ खेली जाती है कसीनो वहां। राजा ने कहा जहां पे ढेर सोना है वहां पर भी तुम वास करना, बोनस मिली है कि जहां पर ढेर सोना हो वहां पर भी तुम वास करना। इसीलिए बताई गई हद से ज्यादा सोना मत खरीदो, उसमें कलयुग का वास है। ज्यादा हो जाए तो सीताराम मंदिर को दान कर दो। हद से ज्यादा सोना सही नहीं है, बताई गई है कान में सोना का बाला होना चाहे, क्योंकि सोना वाणी को शुद्ध करती है। मुंह के दांत में एक सोना होना जरूरी नहीं कि पूरा दतवे सोना कर ले, वाणी शुद्ध होती है। जो कभी कभी उन राजाओं महाराजाओं का है, ना जाने कितना तौला कितना किलो वो सोना होगा, बस ये चढ़ कर उसी के ऊपर बैठ गया, ठट्ठा मार कर हंसा। उसी समय राजा की मस्तिष्क बुद्धि भूरी हो गई। वापस लौट रहा था, प्यास लगी, ताही तृष्णा अधिक सताई।
एक साधु की कुटिया देखा, वहां महर्षि समीप ऋषि का कुटिया थी। उस कुटिया के अंदर हला, ऋषिवर तपस्या कर रहे थे। कभी कोई पूजा कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, तो उसे डिस्टर्ब मत करो, वो पूजा कर लेगा तो वो उठेगा। इन्हीं की बोलो नाना उठो उठो उठो, अब रेडी कहा भैया पूजा करे, जगह बता बोलो आई से आइए। मैंने जगह बता बोलो आई से, अरे भाई ठहर जाओ, दिन भर थोड़ो करी पूजा, बहुत करी, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में से आध, 6 मिनट करिए चाहे 12 मिनट करी चाहे 24 मिनट करी, उससे ज्यादा जे करी जनो पकड़ है। सबसे लंबा पूजा 24 मिनट का होता है, पर्सनल पूजा, उससे शॉर्ट 12 मिनट आधा, और फिर आधो के आध 6 मिनट। तुलसी संगत साधु की कटई कोटे पर आध, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनी आध, 6 मिनट में उड़ गई भाई। लेकिन इसको राहस नहीं हुआ, सर पे कलयुग सवार था। बोले महर्षि उठो, मैं सम्राट आया हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिया। वो तो ध्यान में मगन, सुरता पर ब्रह्म चढ़ गई, तो फिर कोई ना सूझे। 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4th बार में बोले अभी इसके मजा चकाई थी, बस बाण से मरा हुआ सांप उठाकर उनके गले में टांग दिया। बोले तुमने महाराजा को आज निरादर किया है, ये उसकी सजा है। और हमारे यहाँ ये विधान है कि अगर किसी को मरा हुआ पशु भेज दिया जाए, वो दुश्मनी का प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ कलयुग में डिफरेंट है स्टोरी, कोई अच्छा कोई भेज दी तो बताइए उसके, पता नहीं कितना आशीर्वाद दे यार। बहुत धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच यार, अप्रिशिएट इट, वंडरफुल, वेरी गुड, वाओ, थैंक यू मैन, ऑसम। लेकिन वास्तव में मरा हुआ पशु या मना हुआ जानवर अगर तुम देते हो किसी को, ये दुश्मनी का प्रतीक है। महर्षि श्रृंगी उनके पुत्र, आंख से आंसू बह गया जब उसने सुना कि किसी ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। गंगा जी को हाथ में उठा लिया, मिथ्या न जाए देव शिवानी, ब्राह्मणी की श्राप कभी मिथ्या नहीं जाएगा। आंखें लाल लाल हो गए, भृगुटी को अपने चिवड़ का सांप दे दिया कि जिसने भी कोई मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला होगा, आज से 7 दिन वही दक्षत जीवित होकर उसे डसेगा। हरिओम दक्षत बोलकर बस गंगा जल में पानी छोड़ दिया। अब ब्रह्मा भी वो टाका को मेट नहीं सकता, योग सिद्ध ब्राह्मण हो अगर वो श्राप दे दे तो भस्म हो जाओगे। दिल दुखाई हो तभी नहीं कि अनासे चलते ब्राह्मण को एक श्राप देते लगते नहीं लगी। अगर सचमुच किसी ब्राह्मण का, अरे ब्राह्मण नहीं, शास्त्र में बताया गया किसी स्त्री का दिल दुखाया उसके भी आहा लग जाएगी, किसी बच्चे को तुमने रोया है जानबूझकर 15 झापड़ रोज मारा है उसके आहा लगी भस्म हो जाएगी, कोई गरीब को तुमने सताया है उनके पसीना को तुमने असूल नहीं करा है, अरे भगवत ये बताती है कि तुम्हारा नाश हो जाएगा, उनके आह भी लगती है। दुर्बल को ना सताइए, कबीर जी की वाणी, जिनकी मोटी हाय, जिनके हाय से लोहा भस्म हो जाए, ऐसा उनका श्राप है। एक अबला स्त्री, एक बच्चा, एक गरीब, एक ब्राह्मण, एक पशु, अनबोलता जीव को कभी तुमने सताया है, गाय पाल लियो, बहुत सौकरा पालो, लेकिन गाय खूटा पर दुई रोज बंधी रहे, अरे श्राप लगे रे दुष्ट। गौ का सेवन करना सीखो, घर पे कुकुर पाला है, कुत्ता पाला है तो कुत्ता घास नहीं खाई, उसको भोजन पेट भर गए, अगर नहीं दोगे तो उसका श्राप भी लगे, अनबोलता जीव उनका सांप लगता है। वृक्ष पेड़ अनासे अगर उनको भतुर दे, रास्ता चलते छुड़ी लो अमृत पेड़ कटते चलो, अरे भाई दुनिया ठीक है, न्यूजीलैंड में अगर पेड़ काट दिए और पौटो कावा पेड़ है तो तुम्हारा जहर हो जाए। जिस देश में नारी की सम्मान है, हाँ,
माता जी राम राम। आओ सीट रेडी करो, आओ बहनी आओ। जिस देश में नारी की सम्मान है वो देश सुखी, जिस देश में अनबोलता जीव की सम्मान है वो देश सुखी, जिस देश में पेड़ पालों की सम्मान है वो देश सुखी। आज महाराज परीक्षित के जो श्राप लग गई, ब्राह्मण के श्राप वो मिथ्या नहीं जाता है, जैसे ही मुकुट ले जाकर रखा तब उसके होश ठिकाने आया। अरे हमने ये कैसा अपराध कर दिया, मैं इतना बड़ा सम्राट महारथी अभिमनु नंदन जो चक्रव्यूह के अंदर हलकर अपने धर्म के निमित्त अपने प्राण को भी हरा दिया, मैं उनका पुत्र। अरे मेरे पिता का मामा भगवान श्री कृष्ण में ऊंट वंश से आता हूं, लेकिन मैंने इतना बड़ा अपराध कर दी कि ब्राह्मण के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया, तब जाकर होश ठिकाने आया, रोने लगा तो पत्नी के पास पहुंचा, बोले देवी क्या हुआ महाराज? धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल बिरंच ये चारी, मुसीबत आने पर पत्नी अगर हट जाए तो वो पत्नी पत्नी नहीं, मुसीबत में पत्नी अगर तुम्हारा साथ दे तो वो पत्नी नहीं घर की लक्ष्मी है, ये विधि बताती है। मित्र वो फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मित्र वो जो तुम्हें मुसीबत के सामने खड़े हो जाए, तुम्हारा अपना धैर्यता और तुम्हारी धर्म, तुम सनातन धर्मी हो अपने आप के गौरव करो। मुसीबत में अगर पड़ गए हो कोई मंदिर में जाकर तुमने मांगा कि मुझे हमारे ऊपर ये मुसीबत है हमें संशोधन दो, मंदिर के बड़े बड़े हस्ताक्षर बड़े बड़े पद अधिकारी अगर नट जाए छोड़ दो मंदिर। धर्म तुम्हारा काम कब आएगा? धर्मो रक्षित रक्षता ये शास्त्र बताती है कि तुम धर्म की रक्षा करो धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। और जिस दिन एक भी धर्म का सदस्य तुम्हारे सर पे हाथ धर ले तो समझ लेना धर्म तुम्हारे चारों ओर खड़ा है। तो ये चार चीज की पहचान मुसीबत में है, इसलिए बता रहा हूं कि हे मानव आज पत्नी से जब बताया गया थोड़े देर में ये बात पूरी गांव में फैलेगी, दुख की समूह घर पे छा गई, कोई सहारा नहीं है, एक हाथ की ककरी नौ हाथ की बिया कैसे हो गई, कहत कहत हो गई, रेडियो स्टेशन ना हो, FBC ना हो, नौतरंग रेडियो ना हो, रेडियो वेस्ट ना हो, फिजी टैंक ना हो, फिजी सन नहीं हो, शांति दूत भी नहीं हो, लेकिन फिर भी न्यूज ऐसा फैलेगा कि पता नहीं, अच्छा कर्म करने से कोई नहीं मांगे जाए, अच्छा कर्म तुम करोगे, तुमने 100 आदमी को भोजन कराया, उनके घर दिया, कपड़ा दिया, उनके सहारा किया, नो वन वांट्स टू नो, लेकिन एक घर अगर शायद एक आदमी हजारों अच्छा किया हो, शायद कहीं स्लिप हो गया हो एक छोटी सी बात में, तो देखना वो बात लेकर लोग कैसे उड़ेंगे, अपना करतूत तो लोग नहीं देखते, बुरा को खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जोतन देखा अपना मुंह से बुरा न कोई, लेकिन दूसरे की बुराई लेकर हम उड़ पड़े। आज परीक्षित की भी यही दशा हो गई, चारों ओर यही बात सभी लोग जान गए कि महाराज परीक्षित ने गलती किया है और इसके ऊपर ये दंड लगा है, अब तो ये मरेगा 7 दिन में। नारद जी आ गए, नारायण नारायण, हे राजा परीक्षित तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा कुल के तुम संतान हो, लेकिन तुमसे ये जो हुई वो गलती हुई क्योंकि कलयुग ने तुम्हारे सर पर वास किया था,
वो मुकुट वहीं के वहीं रखा रह गया। नारद जी ने बताया एक ही साधन है और वो साधन क्या है, गोविंद नाम तुम्हें तर देगा। प्रभास क्षेत्र चले जाओ और आज की मुहूर्त और तिथि में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होने वाला है। कौन है वो सुखदेव जी मुनि, कौन है वो सुखदेव जी मुनि जिन्होंने इतना परम ज्ञान माना है, 12 वर्ष के आयु में प्राकंड अमर कथा का ज्ञाता को जाना है, उसका परिचय तो कराओ महाराज। तो बताई गई है अमर कथा के इच्छाधर पार्वती मन लाई, कहे शंकर भोलेनाथ से अमर कथा देव बतलाई। शंकर बोले हे दारा अमृत तत्व को तुम पूछा, लेकिन बात कहूं मैं सत्य की कथा के बीच में मत तुम सोना। बात तुमने अच्छा पूछा है गौरा, लेकिन बीच में सोना मत और कथा में हुकारी भरना। जी स्वामी। हाँ स्वामी। अच्छा स्वामी। अच्छा स्वामी। जी स्वामी। हाँ स्वामी। हुई राजी जब बात ये तब अमर कथा आख्यान किया, सकल संसार सो रहे थे लेकिन एक अंडे में जीव पड़ गया था। कथा के प्रारंभ होते होते पार्वती उकारी भर रही थी। जी स्वामी। हाँ स्वामी। जी स्वामी। हाँ स्वामी। जी स्वामी। हाँ स्वामी करते वो सो गई। कथा मध्य जब सो गई कथा पूर्ण होने आई, फिर भी कोई स्वामी स्वामी जी स्वामी करता रह गया। तब शंकर जी ने ध्यान तोड़ कर देखा तो गौरा सो गई थी, लेकिन अंडे से शब्द आ रही थी। शंकर ने अपने त्रिशूल अनुसंधान किया, उसी समय वो अंडे के छाल से निकलकर वो पक्षी उड़ पड़ा और माता अदिति आहार दे सूर्य अर्घ दे रही थी, मुख में वास किया वही देवा और फिर सुखदेव जी मुनि प्रागट भई देवा। बोलो सुखदेव जी महाराज की। वेद व्यास की पत्नी के मुख के अंदर वो पक्षी हल गया और वहीं से भगवान सुखदेव मुनि का उत्पत्ति हो गया। 12 वर्ष के आयु में प्रकंड विज्ञान होकर मृग छाल को लेकर, जिनके शरीर पर सिर्फ एक वो दिगंबरी है एक लंगोट है, और मृग छाल को हाथ में लिए अरुणी और कमंडल लिए हुए चलता हुआ चला रहा था। देख कर वेद व्यास खड़े हुए, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हुए, सबने उनको प्रणाम किया। व्यास नदी पर आ बैठा श्री सुखदेव महाराज आश्चर्य पाकर परीक्षित बोल उठा। वेद व्यास से बोला कि हे तापसरी ये बताओ कि तुम तो इनके पिता हो, लेकिन इनके आगमन से तुम खड़े होकर इनको क्यों प्रणाम किया। बोले हे परीक्षित मैंने उसको नहीं प्रणाम किया, उसकी बुद्धि को मैंने प्रणाम किया। सुखदेव महाराज व्यास पीठ पर बैठ गए। इंद्र ने सुना कि भगवत कथा की अमर कथा हो रही है, अमृत का प्याला लेकर आ गया और लाकर स्वयं सुखदेव महाराज के सन्मुख रख दिया। बोले राजा इंद्र ये क्या है। बोले अमृत की प्याला है और ये अमृत का प्याला ले जाओ परीक्षित को पिला दो। तो बोले अमृत जीने के लिए तो एक बूंद काफी है। तो बोले बार बार सांप काटो करी बार बार पियाते रहता
और ये अमृत कथा जो है हम सबको सुना। किन्नर, नाग, मुनि, अप्सरा, गंधर्व मनुष्य का रूप धारण करके पर्वत तीरथ भी प्रभास क्षेत्र चले आए और सब भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 18,000 श्लोक में से सबसे पुनीत मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो महात्माओं ने जो मंत्र का विवरण और विवेचन किया है उसको वैसे ही बोलना चाहिए जैसे ओम नमः शिवाय। थोड़ा बोलो लेकिन सही बोलो। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें नमः शब्द नहीं है। कुछ विद्वान होते हैं, कुछ पंडित लोग होते हैं तो उस मंत्र को पहले उसमें स्पाइस मिलाते हैं, उसको और थोड़ा तीखा बनाते हैं और कहते हैं हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा। सब नास ओम नमः शिवाय मंत्र है। ओम नमः शिवाय फिर उसमें स्पाइस मिलाओ। हरि ओम नमः शिवाय नमो नमः। अरे भाई ये नहीं नमो नमः, चिट्ठी तुम सही लिख रहे हो लेकिन स्टैंप गलत लगाई लियो, न्यूजीलैंड के जगह चाइना पहुंची चिट्ठी। ये सब जानना जरूरी है। फूल अधोमुख नहीं चढ़ाना चाहिए, फूल जो है उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। उल्टा चढ़ाने से पुण्य पाताल चली जाती है, इसलिए फूल जैसा है वैसे चढ़ाओ। कुछ विभिन्न बातों को अपने जीवन में नोट बनाकर रखो। तुम भी मंत्र बोलो लेकिन सही बोलो, छोटा बोलो थोड़ा बोलो लेकिन सही बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस यही मंत्र है। इसीलिए बताई गई है श्रीमद् भागवत कथा में सबसे प्रथम यही सोपांग में यह मंत्र का उल्लेख है। 3 बार हम सभी लोग इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार सुबह, 3 बार मध्य में, 3 बार सोने से पहले कमती से कमती 3 बार इस मंत्र का वाक्य बोल दो। 3 बार बोल दो ये मंत्र, तुम्हारा जीवन सुखद होगा। बांध पकड़ाए हो कोई भी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय भी मंत्र हो, उसको बांध पकड़ा दो। सवेरे 3 बार बोल लो, जैसे मौका मिले 3 बार बोल लो, जैसे ठोकर लगे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बेकार आ जाए ओम नमः शिवाय। तब जब आदत हो जाए तब रात में करवट बदलियो तो ओम नमः शिवाय। अब जब आदतें नहीं तो बोलियो दादा दादा आदमी कौवा भी तो रो, पता नहीं कैसे माइंड कहां एंगेज हो गए, कोई लकड़ी काटा दे भैया देखना करो करो, पता नहीं कौवा लगे, मशीन ठीक करना देखना पेपा का बाल उल्टा नहीं निकले, आदमी कौवा ही माइंड एंगेज। लेकिन जब आदत बांध पड़ गई तो बोलोगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, करवट लोगे तो भी ओम नमः शिवाय। कैसे पहचान हुई, उसके बाण हनुमान जी को लग गई, धरनी धीरा हनुमत स्वामी मुख से निकला राम। भरत जान गए कि ये राम भक्त है, मूर्छित बेहोशी हालत में हनुमान जी ने राम बोला। इसीलिए बेहोशी हालत में भी राम बोलो। तब सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सामने देखकर बोला कि राजन 7 दिन है ना मृत्यु की, भय लगता है? राजा ने कुछ नहीं बोला, भला बताओ मौत से कौन नहीं डरता है? मौत एक ऐसा खौफ है, मौत एक ऐसा डर है
जिससे कौन आदमी नहीं डरता है, सब डरते हैं, मैं भी डरता हूं। आदमी बोले ना हमें मरे मर जाए तो हमें क्यों डर लगे, लेकिन वो सबसे बड़ा फट्टू है, उसके सबसे ज्यादा डर लगे थे। एक दो ही मिला रहे, देखना माउथ चुटकी में कैसे ही वो माउथ आदमी का प्राण खींचता है, और था नहीं कुछ, दो आदमी शर्त लगाया, लव रखना बेटा, दो आदमियों ने शर्त लगाया कि देखिए कौन हीरो है, हम हीरो की तुम हीरो, दोनों मांगे हीरो बने गाओ। बोले कौन सके एक नीला कब्र में जाए ठोक के आ जाए 12 बजे रात, तुम सको? हाँ, कह नहीं सकता, हम ही सकता, ठीक 12 बजे रात का, राइट। झिमिर झिमिर बारिश हो रहा था, तो एक वहां से सोचा हम 5 to 12 चल रही, बरसाती ओढ़ लिया, रेनकोट, डर तो लग रहा है उनको, नीला लेकर कब्र में ठोक तो रहा है, लेकिन रेनकोट संगे ठोकाई, ब्लैक रेनकोट। जब घूमा रेनकोट तना, वो सोचे तिबोरो में खींचे, बस वही गिर गया, प्राण निकल गए, डर ऑफ। मौत एक ऐसी डर है, एक खौफ है जो तुम्हारे प्राण को ऐसे ही निकाल देगा। परीक्षित से जब महाराज सुखदेव जी महाराज ने पूछा, बोले परीक्षित 7 दिन है ना, डर है मौत से, वो घबरा गया कि मौत क्या है, वो नहीं जानता है। मौत का परिचय कराया कि मौत उसको कहते हैं कि एक बार आंख बंद हो गई, प्राण पखेरु निकल गए, सब जैसा है वैसा रह जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कथा को प्रारंभ किया सुखदेव महाराज ने, यह अमर कथा भगवान की 24 अवतार में से 10 अवतार का वर्णन कराया। मत्स्य रूप को प्रकट करे और कच्छ रूप वर्णाया, हे राजन, संसार में आपत को दूर करने के लिए सबसे पहले भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, वो मछली का रूप था, धर्म को भगवान ने बचा दिया। मछली कबीरदास और तुलसीदास की भेदता हुई, बोले भगवान मत्स्य रूप में है, मछली के रूप में, तो तुलसी ने तो चौपाई में लिख दिया, बोले तो तिल पर मछली खाए के कोटी करो तुम दान, सोल नर तुरंत नरक सिधान, वो नरक जाओगे। कबीरा ने वही बात को घुमा कर बताया, यो नर मछली खाते है मूड़ा पूछ सहित, सोनर बैकुंठ जात है नादी पूछ सहित। अरे भाई, कबीर दास की उल्टी वाणी है, बरसे कमर भीजे पानी है, कभी कमर बरस सकता है, कभी पानी भीज सकता है, इसलिए बताई गई है। किस मछली का वर्णन कबीर ने किया, वो ज्ञान मछली का वर्णन किया, कि उस ज्ञान की मछली को तुम लेना हो तो मूड से पूछ तक ले लो, कथा को सुनना हो शुरू से अंत तक ले लो, तब वो ज्ञान मछली की बात कबीर ने बताया है। मत्स्य रूप का वर्णन करके कच्छ रूप बतलाया, मंदराचल पर्वत पर भगवान ने मथनी खूब चलवाया, कछुआ का रूप धारण करके विष्णु भगवान ने एक बार धर्म को बचाया, जिससे 14 रत्न निकला और धर्म शास्त्र बनवाया, और सुदर्शन चक्र को मनमोहन को मोहिनी और धनुष बाण बख्शीस मिला, प्रथम वेद ब्रह्मा को दीना बना वेद का अधिकारी, विष्णु को दीना चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी, और इंद्र को दीना कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को सारी वसुधा देकर आप बने भंडारी, सबको सब कुछ दे दिया कच्छ रूप के ऊपर, फिर
फिर भगवान ने बावल रूप धारण कर बलि को छल दिया। फिर परमात्मा ने परशुराम रूप धारण करके क्षत्रिय का है वंशों का नाश कर दिया। फिर परमात्मा ने धरा राम अवतार, रुक गए परमात्मा, बोले कि हे सुखदेव, हे गुरुवर, मुझे परमात्मा राम की गाथा को समझाओ, क्योंकि भागवत कथा में राम कथा बुद्धि की कथा है और कृष्ण कथा हृदय की कथा है। तो जब प्राणी की बुद्धि निर्मल हो जाए तब कृष्ण कथा हृदय से सुनो। युग के प्रारंभ में महाराज दशरथ राजा बने, महारघु राजा दलीप, महाराज सागर, इनके वंश में महाराज दशरथ हुए। अवधपुरी रघुकुल मणिरा करने को आया त्रेता युग में। अवधपुरी रघुकुल मणिराम रामचंद्र मानस के बाल कांड के 14 विश्राम। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हुए, धर्म धुरंधर, एक नहीं दो नहीं तीन तीन रानियां, कौशल्या दीनारिया चरण पन्न मूल प्रेम हरिपद कमल विनीता कौशल्या माँ के कई तीनों रानियों पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत सत रज और तम के भांति तीनों रानियां राजा के साथ आनंद अनुभव कर रहे हैं। लेकिन एक बार भूपति मन भावा हरी गलानी मोहि सुत नावा गुर बह गयो तुरंत महिपाला चरण नायक मेरे चौथा बना गए। बुढ़ापा लगने को आई है लेकिन मेरे पास संतान नहीं है, भगवान कैसे होगा? बुढ़ापा आता है तो मालूम कहां आता है, पहले कान के पास आता है, यहां बाल भक्ति है, साइन बोर्ड कहां है वहां धीरे से कान में बोली ओए हवाई गया, इसके मतलब सचेत जाओ, बुढ़ापा आएगी, भक्ति करना प्रारंभ कर दो, ये वो नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करो, ऊपर से काटो कुछ नहीं तो करीबा लगा लो। फिर भगवान
ले लेता है, ओजड़ी कमजोर हो गई। 60 जैसे भयो, ओजड़ी आपके कमजोर हो गई, नरम भोजन करो, इसलिए दांत ले लिया, दूध पियो ज्यादा, दही खाओ, दही भात, फल खाओ ज्यादा। आदमी का वही भाग उधर जूते प्लेट के दांत लगा दे। 100 बरस जिए के है, 65 तक जइयो मुश्किल से। ओजड़ी कमजोर हो गई भाई, पर फोर्स ना करो, नरमे भोजन खाओ, आनंद आई। लेकिन कौन समझता है, बोले भगवान मुझे बुढ़ापा लग गई लेकिन मेरे पास संतान नहीं है, कोई यातना बताओ। तो बोले गुरु के पास चलो। लोग गुरुमुख क्यों होते हैं, गुरु दीक्षा क्यों लिए जाए, गुरु हो वो याद करने पर तुम उसके पास चले जाओ, कि नहीं कि गुरु इंडिया से आई इतना बड़ा छापा देख चला गया। साल में आई, बोले बेटा 5-5 डॉलर चढ़ाते रहना हफ्ता, 52 वीक्स है, टाइम 5, उतना पैसा ले गुरु चल दे। बोले ओके भाई, गुरु हो जो तुम्हारे सन्मुख हो, मुसीबत पड़ा गुरु के पास चले जाओ। राजा ने भी सोचा कि मेरे दुख अगर दूर करेगा तो गुरु भी दूर करेगा। मेरो कोई ना सहारा भी है तेरे, मेरो कोई ना सहारा भी है तेरे, गुरुदेव सवरिया तेरे, मेरो कोई ना सहारा भी है तेरे, गुरुदेव सवरिया तेरे। गुरु को प्रणाम किया, बोले बाबा तो मेरे दुख दूर करो, गुरु ने तुरंत बता दिया। राम सिया राम सिया राम जय जय धरो, तुम्हारा नहीं भगत भयहारी दुनिया के दुख दूर करेगी। उसी समय गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अग्नि देवता प्रागट हुए, हाथ में खीर लेकर, बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। और जैसे खीर लेकर प्रागट हुए,
भाग आधा किया, माँ कौशल्या के हाथ में रखा, दूसरा केकई के हाथ में रखा, और दोनों माताओं ने अपने अपने हिस्सा से आधा आधा करके माँ सुमित्रा को दिया। ये कथा आपने सुना, यही विधि गर्भ सहित तीनों राजे जा दिन से हरि गर्भ में आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। लोग गड्ढा करते थे अयोध्या में, हीरा मोती लाल निकल आती थी, मंद सुगंध पावन सुरभि बहने लगा। यही विधि कचुक काल बीत गयो, यही विधि कचुक काल बीत गयो। कौन तिथि कौन मुहूर्त था, नवमी तिथि मधुमास पुनीता हो, सुबल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी के तिथि चैत का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र का उदय हो रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी ने जाना समझा कि अब भगवान के अवतार होने वाला है, सभी देवताओं को लेकर अयोध्या के बादल में चले गए। Oh,
नाचने लगे, गाने लगे, कूदने लगे, आनंद प्रकार की उत्साह होने लगी जिसके वर्णन नहीं, ऐसा उत्साह। अरे बाजे रे बधैया यावदपुर में आज, अरे बाजे रे बधैया यावदपुर में आज, भगवान की जय। प्रभु का प्रागट्य की कथा हुई, चारों ओर सभी लोग खुशहाली मना रहे, नाच रहे हैं, लेकिन दूर खड़ा कोई प्राणी उदास है। तो प्रभु ने पूछा, आप क्यों उदास हो? बोले भगवान, सूर्य देवता, उसके सारथी, उसका नाम है अरुण। अरुण ने सूर्य भगवान के रथ हाँक कर पूरा 12 बजे नून, जिसको कहते हैं ना टोल नून, वही पर लाकर रोक दिया। तो भगवान आईएम से पीएम हुआ नहीं तो मैंने नहीं देखा। सुखदेव जी महाराज कहे कि हे राजा परीक्षित, वो कौन था मालूम? वो चंद्र था। चंद्र उदास हो गया। बोले भगवान, मैंने तुम्हारा जन्म नहीं देखा इसीलिए मुझे तुमसे शिकायत है। तो बोले, क्या चाहते हो चंद्र? बोले भगवान, अब की जमाना तो रात में आना प्लीज, जिससे मैं तुम्हारा जन्म उत्साह देख सकूं। बोले अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा रात में, लेकिन अब खुश हो? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको थोड़ा उधार देना पड़ेगा। कौन सी बात है? बोले, आपके नाम के बाद में मेरा नाम होना अनिवार्य है। ये तो भगवान के क्षत्रिय थे, उनके नाम होता राम सिंह या तो राम वर्मा, ये तो राम सिंह या कोई क्षत्रिय नाम होता, लेकिन उसके नाम के पीछे लगा है चंद्र, राम चंद्र। बीच में फंस गए भगवान, आगे तो सीता लगेगा लगेगा, सीता राम चंद्र परमात्मा का पूरा नाम। बोले, अब भी खुशी हो चंद्र? बोले हाँ अब खुशी। फिर तो लीला अनंत हुई, प्रभु राम ने बाल चरित्र करके दिखाया, हनुमान जी से बालापन में मित्रता हुई, चारों कुंवर अनमोल दशरथ के ललना, अवधपुरी में धूम मच गई, चारों कुंवर ललना ने अनंत प्रकार की लीला किया, गुरुकुल गए, गुरुकुल से पढ़कर वापस आए, विश्वामित्र चले आए, राम लक्ष्मण को लेकर गए, सुभाउ ताड़का मारिच का संहार करने के लिए, मारिच को बिना फल के बाण लगा, लंका पहुंच गया, ताड़का का संहार करके सुभाउ को संहार कर यज्ञ की रक्षा हो गई, गंगा जी में स्नान किया, गंगा की उत्पत्ति पूछा, तब बताई कि ये गंगा जी 60,000 सागर के पुत्र को उद्धार करने के लिए आई है, भागीरथ ने इसे लाया है, आज तुम्हें मैं तुमसे जीव से मिलाता हूं। प्रभु ने सोचा, शरीर को जीव से कब मिलाओगे? राजा जनक जी परनायक ठानी ने धनुवादी ने हराए ना, जो कोई धनवा तोड़े महाई सीता बिहाई ले जाई ना। राजा महाराजा थे वहां, कोई मद्रास के राजा था, कोई गुजरात के राजा था, कोई पंजाब के राजा था, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ, तिलवर धनवा भूमि न छोड़ी ना, तब राजन किसी आए ना, ऐसा बोला है। समय दिशा भुक्ति देखकर गुरु विश्वामित्र ने समय दिया,
प्रभु रामचंद्र जी कूट कर खड़े हुए, खेचत चढ़ावत खींचत रही, चाप धरे नहीं दूर, टूट गए धनवा दो ही खंड में, जय जयकार वही सूर, सियावर रामचंद्र की जय। जननी माँ सीता उसी क्षण माला लेकर आई, प्रभु राम के गले में माला डाल दी गई, परस्पर सीता राम की ब्याह हो गई, राम राजा बने। रघुकुल रीत सदा चली आई, आगे प्राण जाए पर बचन न जाए, कि कई ने शर्त रख दिया कि राम को वनवास और भरत को राज। प्रभु राम जी वन को जाने लगे, मां सीता साथ गई पतिव्रता धर्म और अनुज लक्ष्मण, पीट कर छाती सभी रो रहे हैं नर नारी, दुख सागर में डूबी आज अयोध्या सारी, कहां से लाएगा ये कौन देगा अन्न पानी, साथ में जा रही देखो सीता हो महारानी, जा रहा है आज देखो लक्ष्मण प्यारे, वनवास को चले राम रघुराई हो राम रघुराई। प्रभु वन को गए, देखा कि नारी काटी गई, खर दूषण को पता लगा, खर दूषण के साथ में युद्ध हुई, खर दूषण मारा गया, सुखनेखा एक कंप्लेन लेकर रावण के पास पहुंची, सुखनेखा रावण के बहनी नागकट्टी पहुंची, जब वहां तो रावण ने मारीच को लेकर सीता हरण करा दिया। अरे इतना सुनकर बोले खगपति ऐसो कथा सुनायो, अरे है कोई योद्धा जो इस वन में हमको ले छुड़ायो, माँ की करुणा में पुकार कोई नहीं सुना, जटायु उड़ पड़ा, रावण ने पंखहीन जटायु को घायल कर चल दिया। अशोक वाटिका में सिंसिंपा वृक्ष के नीचे माँ सीता का वास हुआ। फिर तो परमात्मा प्रभु राम ने सीता माई को खोजना प्रारंभ किया, कबन नाम के राक्षस को उद्धार करके मार्तंड जी के आश्रम में पहुंचे, नौ प्रकार के भक्ति प्रदान किया, नौदा भक्ति सेवरी को दिया, आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत फिर नियर आया, उसके बाद हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव की बितरता हुई, ठीक है ना, यहाँ तक याद है कथा, सुग्रीव द्वारा बाली का वध किया गया, फिर उसके बाद अंगद को युवराज, सुग्रीव को राजा बनाया गया, सेतु बांधी गई, रामेश्वर भगवान का पूजन की गई, प्रभु ने लंका चढ़ाई किया, पहले तो हनुमान जी लंका उल्ट पुल्ट कर जा रही, फिर प्रभु ने लंका पर चढ़ाई की, 1,00,000 पूत सवा लाख नाती, उत्तम कुल पुलस के नाती, मर गया रावण धरनी धरा, पानी देवन कोई नहीं हरा, कोई एक बूंद पानी भी रावण को देने वाला नहीं बचा, कुंभकर्ण मारा गया, इंद्रजीत मारा गया, नरंतक मारा गया, अहिरावण भी मारा गया, अनंत प्रकार के सभी लोग मारे गए, रावण की लाश पड़ी, मंदोदरी रो रही है, लेकिन फिर भी प्रभु राम ने सतोन ला दिया, भविष्ण को राज करके मंदोदरी को भविष्ण को सौंप दिया, स्वयं परमात्मा वापस अग्नि परीक्षा लेकर मां सीता को निकाल कर अयोध्या पुष्प विमान पे चढ़े आए, घरे आए राम लखन और सीता, अयोध्या सुंदर सज गई रे, घरे आए राम लखन और सीता, अयोध्या सुंदर सज गई, सुंदर सज गई रे, परस्पर मिली, जय अन्न धन की महारानी को, जय लक्ष्मी रानी, जय अन्न धन की महारानी को, जय लक्ष्मी रानी, तुझे घर घर पूजे पानी को, जय लक्ष्मी रानी, तुझे घर घर पूजे पानी को, जय लक्ष्मी रानी,
वर्ष तक प्रभु राम ने राम राज्य किया। अंत में भूमि के कहने पर मां सीता को वनवास मिला। जगत जननी सीता को भी लोग नहीं छोड़ा तो हमें तुम में कहां छोड़िए। ये ज्ञान है, सुनो सबके, करो अपने मन के जो तुम्हारे लिए सही है। शास्त्र की बात लेकर, वेदों के बात लेकर चलो। जननी सीता को नहीं छोड़ा। लव कुश की उत्पत्ति की कथा वाल्मीकि आश्रम में हुई। अश्वमेघ यज्ञ करके घोड़ा उजे शर्वा को पकड़कर प्रभु राम के साथ में लव कुश का मिलना हुआ। अंत में धरती माँ में समा गई माँ सीता, और मेरे राम ने अनंत विलाप करके सरयू में वास कर दिया। जो प्रभु को पहचाना वो उनके साथ सरयू में गया, जो नहीं पहचाना आज भी मूर्ख घूम रहे हैं कि मालिक कौन है। त्रेता युग समाप्त हो गई, हत्याचार फिर प्रारंभ हुआ। जरासंध, शिशुपाल, कंस जैसे दुराचारी, अधासुर, बकासुर, पूतना, वत्सायसुर, अनेक प्रकार के सुरों, ये सब उत्पत्ति प्रलय के भांत उधम करने लगे। मां धरती एक बार फिर अकुला गई। मां धरती एक बार अकुला गई, गौ का रूप धारण किया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाकर अनुरोध किया, बताओ मैं सिर से एक बार कैसे पाप से छुटकारा पाऊं। आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्म देवता, एक बार फिर मैं धरती के दुख दूर करने के लिए गोकुल में प्रकट होऊंगा। मथुरा प्रकट में होऊंगा, गोकुल मुझे देव पहुंचाए। जितने तुम देवता गण हो, गोप गोपी रूप धराए। वृंदावन और गोकुल में जाकर मेरी राह देखो, और निस्संदेह मैं समय आने पर अवश्य आऊंगा। सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित, वही माँ के कई प्रभु राम जी से मांग लिया था कि बेटा अगर तुम मुझे अपराधी क्षमा चाहत माफ करती हो तो अब की बार मेरे कोख से जन्म लेना। वही के कई देव की बनी, 14 साल भगवान वनवास काट दिया। वो 14 वर्ष का प्रेम माँ कौशल्या को ना मिला तो वही माँ यशोदा बनी। वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह हुआ। वैसे तो देव वसुदेव का विवाह पहले रोहिणी के साथ में हो चुका था, लेकिन कंस का ये मित्र था, इन्होंने अपने चचेरी बहन का विवाह उनके साथ कर दिया। जब विवाह हो गई, बारात को मैं विदा करूंगा, रथ पर बैठ गया। जिस अंश से भगवान प्रगटेंगे उसकी जीवन सारथी या रथ हाँकने वाला कंस बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतने में आकाशवाणी हुआ, हे कंस, जिसके रथ तुम हाँक रहे हो, इसके गर्भ से निकला हुआ 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। विपरीत बुद्धि विनाशी काल। कोई आदमी जो चिटका हो, ओके थोड़ा चिटका है तो कितना अनावादी कर बैठे। चिढ़ा आदमी थोड़े चढ़ाओ वो कितना जोर भरी। बस कंस भर गया। विपरीत बुद्धि विनाशी काल। बोले नहीं रही बांस ना बजे की बांसुरी। उतरा खड़क निकाला, बोले अपने बहन को भी काट डाली, बस खत्म हो गई। हाथ पकड़ लिया वसुदेव जी, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बहनू ही हूं, इससे क्या दोष, हमारे जितने संतान होंगे हम तुम्हें दे देंगे। समय अनुकूल हुआ, कारागार में ले जाकर देवकी को, वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। अपने पिता उग्रसेन को भी जेल के अंदर बंद कर दिया। समय आने पर पहला पुत्र हुआ। कंस तलवार लेकर दौड़ा कि मैं काट डालूंगा। तो कंस के 2 पत्नी थी, एक हस्ती दूसरी प्राप्ति। दोनों ने कहा कि अरे तुम्हें तो बैर 8वां से है कंस, इसको क्यों मारोगे। 6 संतान एक साथ हुआ। तब नारद जी पहुंचे कंस के पास, बोले ए कंस क्या कर रहे हो।
बोले अगर आठवा पहला आ गए तब चुटका आदमी तो कंस था ही, बस उतने में कंस की मस्तक पूरी हो गई। उठाया खड़क काट दिया छेऊ को, मां रो रो कर बेहाल हो गई। तब गोविंद ने श्री भगवान हरि ने आज्ञा दिया कि हे शेष तुम जाओ माता देवकी के उदर में वास करो। शेष देवता शेषनाग माता देवकी के उदर में वास किया। विश्व माहुनी माता आदि शक्ति मां जगदम्बा को भगवान ने अनुमति दिया कि हे देवी तू माता के सातवा गर्भ निकालकर रोहिणी के गर्भ में कर दो और तू मां यशोदा के गर्भ में चले जाओ। वैसा ने शक्ति कर दिया। कंस को लगा कि मैंने 6 पुत्र को मारा, 8 सातवा डर गया, लेकिन सातवा तो बलराम दाऊजी महाराज रोहिणी के गर्भ में पल रहा है। जब आठवा संतान आई तो माता को इतना अच्छा लगा कि वर्णन नहीं। चेष्ट गया, आषाढ़ आई, श्रावण आई, मयूर पंख खोलकर नाचने लगे, ऋतु पावन हो गई, झिमर झिमर बारिश प्रारंभ हो गया और ठीक 12 बजे रात्रि में आधी रात निखंड भया जब पैदा भय गोपाल सोच देवकी ने कीड़ा तुरंत बुलायो वसुदेव की सुनो कंत मेरो बात। बालक पैदा भय मथुरा में देव को कुल पहुंचाए सुनो मोरे कंत पिया। 12 बजे रात्रि में गोविंद प्रागट हुए, चतुर्भुज रूप धारण करके कृष्ण भगवान प्रकट हुए। हाथन की हथकड़ियां खुल गई, गले की सौ जंजीर खुल गए, पहरुदार सब सो गए, बजड़ कुमारा खुल गया, मंद सुगंध सुरभि बढ़ रही, झिमर झिमर बारिश हो रहा था। उसी समय भगवान ने आज्ञा दिया कि हे वसुदेव तुम मुझे लेकर गोकुल छोड़ आना और वहां से कन्या लेकर आ जाना। उठाकर लेकर सूप पे धरा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा। गोविंद को सूप में लेकर वसुदेव जी चले। सब नदियों में गंगा जी बड़ी है, सब नदियों में गंगा जी बड़ी है, रानी में श्री राधा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा। जैसे ही यमुना में प्रवेश किया झालर पानी मूसलधार बरसने लगा, ऊपर से शेख नाग देव ढाए कि कन्हैया कहीं भीज नहीं जाए। वसुदेव जी ने ऊपर देखा कि ऊपर सांप है, अरे भाई इतना बड़ा डर लगा, सामने यमुना है, यमुना भी ऊपर चढ़ते चली आ रही है। यमुना चाहती है, यमुना चाहे हरी चरण पधारे, यमुना चाहे हरी चरण पधारे, यमुना चाहती है कि मैं भगवान के चरण छू लूं। जाने नहीं गोविंदा भजे मन खड़े हो जाओ। परमात्मा की लीला देखो, पिता के नासिका में नाक तक जब पानी आ गई, बांधा मन में कीन विचारा, बांधा ऊपर अपने पांव छुआ दी। उसी समय यमुना पावन हो गई, ले पहुंचे जाए नंद भवन में, ले पहुंचे जाए नंद भवन में, अरे कान्हा देव सुनाई भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा।
झूला बच्चे लाला को गोद में ले लो। दिया सुलाए उठाए देवी, दिया सुलाए उठाए देवी, चल दिए मथुरा के होया बगर मन थोड़ा कन्हैया को जल से स्नान करो। रात समय माया शोदा जागी, 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 बालक काए काए रोया बजरे बने को नवाए। सुबह सुबह जितने ग्वाले हैं सब गाय दूने चले गए भाई, और उसी क्षण नंद बाबा की बहन आई थी, माँ यशोदा के ललना के आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी गई बेलप में जहां गाय दुहा जाता है। नंद बाबा को पकड़ ली, बोले भैया भैया लालो भैया है, लालो भैया है, मोती के हार लेकर दौड़ी आई। तबले तो माया शोदा ने लल्ला को नहलाकर पल्ला में डाला और नंद के यहां उत्सव प्रारंभ हो गई। झूला झूलो, जे भी कोई मनोरथ या मनोवंचित फल चाहता हो आओ गोविंद को इस झूले में स्पष्ट करो, एक फूल चढ़ा दो या एक बार उनके चरण कमल को नमन कर लो, जो कुछ आपके शक्ति हो परमात्मा को समर्पित कर दे, कोई फूल कोई फल कोई दक्षिणा कोई भी चाहे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो परिक्रमा करो दो जगह। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, लालो भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
कन्हैया लाल की घोड़ा की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की और फिर क्या हुआ बद्दू झुलावे मैया पालना पालना रे झुलावे मैया Yeah.
की दास्तान जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब ये कथा तुम्हारे तक पहुंचती है। आशा है, विश्वास है कि आप लोगों ने प्रसन्न किया होगा, आप लोगों का बुद्ध सफल हो गई। भाई मालिक आप पर कृपा करें, सबके घर खुशहाली आए, यही मेरी आकांक्षा है। और आनंदमयी सभी लोग परमात्मा की पावन आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पर आगे आ जाओ। यह मन कन्हैया
Yeah.
चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, भवन सुत हनुमान की जय, भागवत भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, नादी शहर की जय, नव पार्वती धन्यवाद। नांदी की भी जय होना चाहिए। आज ये ग्राम पावन हुई भाई, गोविंद आया है, इसकी कृपा कैसे मैं भूलूं। बोले कथा के माध्यम से जिस ग्राम जिस गांव में कथा होती है वो पावन स्थल हो जाता है, और देवी और सज्जनों ये स्थल क्यों ना पावन हो। सभी लोग आरती का दर्श करें, शांति पाठ का समय हुआ, कोई बिना प्रसाद भोजन के नहीं जाना प्लीज। आज की मेन्यू जो है वो सरप्राइज मेन्यू है, सभी लोग प्लीज आप भोजन करके सभी जाना। लोग बहुत मेहनत करते हैं, वैष्णव शुद्ध भोजन बनता है, लहसुन प्याज नहीं है, लेकिन इतना आनंद आता है वो भोजन खाने की जिसके वर्णन न पा रहे। इन शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। आशा है, विश्वास है, कल हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। परमात्मा कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। हरिओम तत्सत। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ले चलेंगे रास्ते पे हमको, भूल कर भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ले चले एक रास्ते पे हमको, भूल कर कभी भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, विश्वास कमजोर होना। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊ सुर भूप। बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोता गण कर जोर कर सभी को सीताराम, सभी को जय सियाराम, जय राधेश्याम, जय जय। कीर्तन आप तक प्रस्तुत। सब लोग बैठ जाएं, आसन ग्रहण करें, आरती हमें दर्श कराए दो भैया। ले लो बेटा, थोड़ा जल्दी से मम्मी डैडी खा दो और चना भी पहले जो। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे सो भोग लगाए।
सीताराम सीताराम भगवान की जय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भगवान की जय। अकाल मृत्यु हरणम सर्वे सोगुनासु रामो पीत्वाय कृष्ण पीत्वाय पुनर्जन्म नावनिकाय हरिओम तत्सत। सभी को चनामृत बांटे।
राम नाम से बढ़ के कुछ और नहीं है साचा। कबीरा ने यही बताया, तुलसी ने भी यही वादा। एक राम नाम से बढ़ के कुछ और नहीं है साचा। कबीरा ने यही बताया, तुलसी ने भी यही वादा। जो राम नाम मुखलावे वो धन्य धन्य हो जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। भजले राम राम कहाँ कहाँ जग में भगवान।
शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। ओ काजे पर लो वीर चले वीर
सब प्राण जई है सूर Everybody.